खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। करण ओबेरॉय के रेप मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब 25 मई को मॉर्निंग वॉक के दौरान पीड़िता पर हमला हुआ और इस हमले में नाम सामने आया है वो है उनके ही वकील अली कासिफ खान का और उनके जो चचेरे भाई हैं अल्तमस अंसारी का। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद अली कासिफ खान जो कि वकील हैं पीड़िता के। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपका नाम आया इस मामले में तो आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था और आप गायब भी फरार भी बताए जा रहे थे। पुलिस ने ये भी कहा कि आप कहाँ हैं उन्हें नहीं पता है और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप इस मामले में शामिल हैं, आप कहाँ थे इतने दिन और आपका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था। देखिए, मैं जब ये FIR रजिस्टर हुआ 25 तारीख को, मैं सिंस इट्स अ फेस्टिव सीजन, फेस्टिव मंथ चल रहा है, तो मैं कुछ दो दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गया था अपने हिसाब से। आई वॉज जस्ट स्पेंडिंग माई वेकेशन आउटसाइड एंड दो दिन के अंदर मुझे ये पता चलता है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है। मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि मुझ पे एलिगेशन आ रहे हैं, इनफैक्ट वो वकील पे आ रहे हैं जो वकील ने पूरा अपना हार्ड एफर्ट्स लगा के बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करवाया सेशंस कोर्ट में, उसी के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। मैं कहीं पे फरार नहीं था, मैं कहीं पे अनअवेलेबल नहीं था, मेरा फोन भी इनफैक्ट स्विच ऑन ही था। इनफैक्ट आई हैव 3 नंबर्स विच आई यूज़, मेरे विजिटिंग कार्ड पे, मेरे ऑफिस के एड्रेस सब जगह पे देर आर नंबर्स विच आर अवेलेबल। आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल ऑन माई फोन, आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल ऑन द लोकेशन ऑल्सो, बट जस्ट फॉर 2 डेज आई वॉज आउटसाइड। अभी यहाँ पे ये बात आती है कि ये जो रेप का जो एलिगेशन की जो स्टोरी यहाँ पे हुई थी और जो केस यहाँ पे चल रहा था, आपका नाम फिर क्यों आया अगर आप गायब नहीं थे, आप फरार नहीं थे और आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं था, एक नंबर स्विच ऑफ था बता रहे, आपका नाम कैसे आया अगर आप इन्वॉल्व नहीं थे? और आपका जो चचेरा भाई अल्तमस अंसारी जिसकी बाइक है वो जिस बाइक पर सवार होकर दो हमलावरों ने हमला किया था, वो बाइक आपके चचेरे भाई की है, आप दोनों का नाम कैसे आया? देखिए, ये शुरू हुआ है 23 मई 2019 से। 23 मई को मैं और जो रेप विक्टिम वुमन है वो और एक हमारे और एक सोशल एक्टिविस्ट फ्रेंड है, हम उनके घर पे बांद्रा में मिले एक मीटिंग के लिए। अब वो मीटिंग किस चीज़ के लिए थी, वो थी कि दिल्ली में हैशटैग मिंटू की रैली चल रही थी करण ओबेरॉय के सपोर्ट में कि करण ओबेरॉय को गलत फंसाया जा गया है और कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो सही नहीं है, कोर्ट के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा था। तो रैली के सपोर्ट में जो करण ओबेरॉय के साथ हो रहा था, अब उसके अगेंस्ट हमको कुछ एक रैली हमें भी करवाने का प्लान चल रहा था और हम ये सोच रहे थे कि एक रैली हम भी करवाएं मी टू के अगेंस्ट, मी टू के फेवर में और मेन टू के अगेंस्ट मुंबई में। तो हमने इसलिए उस मीटिंग में ये डिस्कस किया कि चलो कुछ लोग अरेंज करवाते हैं जो हमको सपोर्ट कर सके। तो जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी साइड से काफ़ी लोग हैं, मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपके साइड से भी कुछ है तो आप बताइए। मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी साइड से। तब जाके मैंने कॉन्टैक्ट किया अपने कज़िन को, अल्तमस अंसारी को, क्योंकि अल्तमस अंसारी के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स है पॉलिटिकल लेवल पे एंड NGOs वगैरह के साथ, और उनसे पहले भी वो सब चीज़ें अरेंज किया हुआ है मोर्चा वगैरह के लिए। तो मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया और मैंने उसी रात को लगभग मीटिंग के 2-3 घंटे के बाद अंधेरी वेस्ट में मेरे कज़िन को मिलवाया लड़की से जो रेप विक्टिम है और मेरा केस लड़ रहा है, जिसका मैं केस लड़ रहा हूँ, और मिलवा के मैंने डिस्कस करवाया कि ही इज़ द राइट पर्सन और ये जो है आपका केस के लिए जो मोर्चा वगैरह करवाना है और जो जिस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है बाकी की सेलिब्रिटी फ्रेंड्स करण के लिए, वैसा हम भी थोड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करें हैशटैग मिंटू के साथ। तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया। अब मैं 10-12 मिनट के लिए लगभग कुछ बाहर निकला कुछ बाय करने के लिए, ताकि कुछ रात के 2-3 बज गए थे। अब वो 10-12 बजे के 10-12 मिनट के अंदर जब मैं रिटर्न आया वापस आके, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे कज़िन का थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया था। और वो 25 तारीख के हमला होने के बाद, ये हमला होने से पहले की बात है। अच्छा। ये हमला होने से पहले लगभग ये 24 तारीख की मिडनाइट की बात है। अच्छा। 2-3 बजे के बीच में उनका बिहेवियर सस्पिशियस है, आपको ऐसा लगा? सस्पिशियस था, क्योंकि हम साथ में पले बड़े हैं और मुझे हर कोई घर पे एडमायर करता है और कभी किसका कोई गलत किसी चीज़ में हाथ नहीं है, और इनफैक्ट कभी मुझसे कभी कोई चीज़ छुपा के किसी ने किया हुआ नहीं है। अब उस रात को जब मैं 10-12 मिनट के लिए लड़की को और उसको साथ में छोड़ के गया था, अब उनके बीच में क्या मीटिंग हुई, क्या डिस्कशन हुआ, किस तरीके से क्या बात हुई, मुझे उस 12 मिनट का कोई एस्टिमेशन नहीं है। हाउएवर, जब मैंने अल्तमस से बात किया तो अल्तमस का बिहेवियर नेचर कुछ चेंज लग रहा था, वो थोड़ा हिलजुल रहा था और उसके हाथ शेवर कर रहे थे, एंड जब मैंने कुछ बात करने की कोशिश किया तो उसने मुझे कुछ अब्यूज़ करके चुप बिठा दिया जो उसने कभी किया नहीं। तो मैं डिसअपॉइंट हो गया, मैंने जो लड़की को है उसके घर पे ड्रॉप कर दिया और मैंने अपने भाई को लेके गया अपने घर पे, और जब मैं सुबह को उठ के देखा तो वो अपने घर जा चुका था बिना मुझे बताए। अब उसके लगभग एक दिन बाद 25 तारीख को 6 बजे के करीब 6:20 को मुझे लड़की का फ़ोन आता है। 6:20 को कुछ अटैक हुआ था और 6:30 बजे मुझे फ़ोन आया लड़की का
ये बोल के कि काशिफ मेरे पे अटैक हो गया है लोखंड वाला बैक रोड पे, और बाइक पे वो लोग थे और कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से मुझ पर अटैक किया हुआ है और मैं अभी जा रही हूँ ओशिवारा पुलिस स्टेशन। तो ये पैनिक करते हुए मैं भी ऑन द स्पॉट अपनी नींद छोड़ के 10 मिनट के अंदर ओशिवारा पुलिस स्टेशन गया। अब मुझे वहाँ से रिपोर्ट आई कि वो मेडिकल कराने के लिए सिद्धार्थ हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो मैंने वहाँ तक गया और वहाँ तक उसके पास एक घंटे तक रुक के हॉस्पिटल मेडिकल रिपोर्ट तक चेक करवा के पूरा इंजेक्शन जो भी है सब मेरे मैंने देखा और जितना हो सके अपने हिसाब से सपोर्ट किया मैंने। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया उस हॉस्पिटल में कि अगर किसी के ऊपर वार होता है, किसी को कुछ पेन होता है, किसी के ऊपर कुछ लगता है, तो इतना ब्लीडिंग होने के बाद, इतना कट होने के बाद वो इंसान की शक्ल पे स्माइल या कुछ मुस्कुराहट नहीं रहेगी, वो रोएगा या तो फिर वो बोलेगा मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। का कहना है कि जब आप अस्पताल गए थे सुबह सुबह उनसे मिलने और उनके चेहरे पर, विक्टिम के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि उनके चेहरे पर अफसोस या गम होना चाहिए था, दर्द होना चाहिए था, वो मुस्कुरा रही थी, आपका कहना है। तो वहाँ से मैं सस्पिशियस हुआ। और रही बात जो फिर मुझे हर चीज़ याद आई कि एक दिन पहले जो, दो दिन पहले जो है, इन लोगों की मीटिंग मैंने जो मेरे कज़िन से करवाया था उसमें मेरा कज़िन का जो बिहेवियर चेंज हुआ था, तो मैं पूरा श्योर हो गया कि सिंस मेरी क्लाइंट ने मुझे खुद ने एक्सेप्ट किया हुआ था कि शी इज़ गुड इन ऑल दिस मैजिक एंड स्टफ़ एंड शी कैन कंट्रोल सोल्स, शी टॉक टू अननेसेसरी लाइक जो आत्मा वगैरह सोल्स होती है उनसे बात करके कुछ काम करवाना, ह्यूमन माइंड कंट्रोल करना, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करना, शी नोज ऑल दिस थिंग। तो मैं श्योर हो गया था कि कुछ ना कुछ कहीं से ये लिंक हो रहा है। अब जब हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन गए FIR करवाने के लिए, तो वहाँ पे FIR करने के बाद जब एक कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने हमें ऑन द स्पॉट, उसके पास CCTV फुटेज आ गया था अटैक का। अच्छा। तो वो CCTV फुटेज के अटैक में जब उन्होंने पॉज एंड प्ले करके बार बार देखा और मुझे भी दिखाया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया और ऑफिसर को भी ये समझ में आ चुका था, इनडायरेक्टली मैं भी समझ चुका था कि लोग समझ गए कि लड़की जो है वो हाथ आगे खुद से बढ़ा रही है। अच्छा। और फिर उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो अगर बाइक आकर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाइक आकर रुकी, उसके बाद पास में ही विक्टिम खड़ी थी और उन्होंने खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया हमले के लिए, आप ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं विक्टिम पर? ये इल्जाम की बात नहीं है, ये मैं वो देख रहा हूँ जो मेरे सामने जो चीज मुझे दिखाई गई। और फुटेज में आपने ये देखा जब आप पुलिस स्टेशन में थे, आपको एक ऑफिसर ने दिखाया वो? और इनफैक्ट मुझे काफी ऑफिसर से ये भी बताया गया जिस दिन FIR फाइल करने के लिए आप लोग आए थे उसी दिन से हमें पता था कि इसके अंदर लड़की का ही हाथ है। अच्छा। ये पुलिस, सारे पुलिस ऑफिसर्स को शुरू से हिंट मिल चुकी थी, लेकिन वो अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट बाद में लेके आने वाले थे। अब हुआ ये कि जब कंसर्न ऑफिसर ने हमें ये CCTV फुटेज दिखाया, तो लड़की ने जो है मुझे बाहर बुलाया ऑफिसर के रूम के बाहर। और अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी फिर बात हुई वो CCTV फुटेज देखने के बाद, जो विक्टिम है, बात हुई, क्या बात हुई जरा बताइए, क्या कहा उन्होंने, एक्सेप्ट किया विक्टिम ने कि हाँ इसमें मेरा हाथ है, क्या कहा? तो जब ये CCTV फुटेज जब ऑफिसर ने हमें दिखाया और ऑफिसर ने ये भी बताया कि नंबर प्लेट जो है वो बाइक का विजिबल है, लेकिन उस CCTV फुटेज में वो विजिबल नहीं आ रहा था, लेकिन ये उन्होंने बताया था कि नंबर प्लेट लगा हुआ है, तो हम पूरा बॉम्बे का जो है CCTV फुटेज रिकॉर्ड निकाल के वो कहीं ना कहीं से नंबर निकाल के उनको पकड़ लेके। सो आई वॉज वेरी मच श्योर कि अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने मुझे गारंटी दिया कि 2 दिन के अंदर हम निकाल लेंगे, वेरी गारंटीड उन्होंने बताया था कॉन्फिडेंटली। तो मैं खुश था क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही था कि करण ओबेरॉय के साथ के कनेक्टेड लोग ही कुछ हो गए जो ये काम करवा रहे हो गए, तो मैं बहुत खुश था कि अभी हाईकोर्ट में तो मैं इसकी बेल तो और बुरी तरीके से रिजेक्ट कराऊंगा। आप वो बता रहे थे कि विक्टिम ने आपको क्या बताया जब ये नंबर प्लेट की बात बाहर आई, तो विक्टिम ने मुझे बाहर रूम के बाहर बुलाया, ऑफिसर के रूम के बाहर मुझे बुलाया, काशिफ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला हाँ बताइए। तो उन्होंने अब्रप्टली एक शिवरिंग हाथ में और डर डर के पसीनों के साथ मुझे बताया कि ये उसी ने करवाया। विक्टिम ने कहा, आप कह रहे हैं कि विक्टिम ने खुद कहा आपको शिवर करते हुए, थरथराते हुए, कि वो हमला उन्होंने खुद ही प्लान किया था? बिल्कुल, उन्होंने प्लान किया था। और क्या कहा जरा बताइए? उन्होंने एकदम डरी हुई हालत में बताया कि काशिफ ये जो अटैक था ये मेरा ही प्लान था, ऐसा मुझे उन्होंने बोला। अच्छा। तो इस चीज़ को मैं जब सुना तब मैं शॉक हो गया, और उसके बाद जब मुझे उन्होंने आगे कंटिन्यू किया तो ये बताया कि ये काम जो है मैंने आपके कज़िन के थ्रू ही कराया। तो ये भी विक्टिम ने ही आपको बताया कि इसमें अल्तमा संसारी जो कि आपके चचेरे भाई हैं उनकी मदद उन्होंने ली थी, जिसे आपने ही मिलाया था विक्टिम से? बिल्कुल। तो ये एक्सेप्ट किया। अब ये सुनने के बाद वो जगह पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं किसी पे जोर से चिल्ला दूं या किसी को कुछ बोल दूं, मैंने उस गुस्से को वहीं पे कंट्रोल किया और एक प्यार भरी एक आवाज में मैंने लेकिन उनको एक चिल्लाया डांटा कि कहा आपने कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्या इसकी इस चीज की जरूरत थी, और क्या इस चीज में मेरे कजिन को इन्वॉल्व करना जरूरी था, और क्या मुझे बताना जरूरी नहीं समझा
क्या मुझसे नॉलेज लेना ज़रूरी नहीं समझा, और क्या मैंने आपको मेरे कज़िन से ये गलत काम करवाने के लिए मिलाया था? मैंने आपको मिलाया था एक मोर्चे के लिए रैली अरेंज करवाने के लिए, जिसका डिस्कशन हमारा हुआ था। फिर उन्होंने क्या कहा? तो उसके बाद उनकी कोई उनकी बोलती बनती, वो सिर्फ सॉरी 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 लगी हुई थी। उसके बाद यही बात चलती गई कि अब मैं जेल तो नहीं जाऊँगी, मैं जेल तो नहीं जाऊँगी, मेरा FIR मैं कैसे भी करके वापस ले लूँगी, मैं कुछ भी कर लूँगी। सो शी वॉज काइंडली टॉकिंग अबाउट सुसाइडल अटेम्प्ट्स ये वगैरह ये सब। तो ये सब देख के सब डरे हुए थे कि कहीं ना कहीं से, और मैं भी डरा हुआ था क्योंकि मेरे कज़िन का नाम इसके अंदर आ गया। तो मुझे भी काफ़ी घबराहट थी करके ये चीज़ अभी, क्योंकि अगर मेरे घर का ही एक आदमी है तो कहीं ना कहीं से उसको कुछ तकलीफ ना हो। चलिए अभी ये बताइए कि जब आपको आपने CCTV फुटेज देख लिया था कि इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है और हमला करने के लिए, विक्टिम वहाँ मौजूद थी पुलिस स्टेशन में जब आप हेल्प करने पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें उन्हीं का हाथ है, उन्होंने ही हेल्प लिया आपके चचेरे भाई, इतना सब आपको जानकारी होते हुए आपने पुलिस से ये बात क्यों नहीं कही उस वक्त, और आप उस वक्त बॉम्बे से बाहर क्यों चले गए, और आपका फ़ोन जिस पर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं उसी फ़ोन से आपने मुझे फ़ोन करके बताया था सुबह सुबह 7 बजे कि विक्टिम पे हमला हुआ, वो फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था, क्यों आपने ये होने दिया जब आप शामिल नहीं थे? देखिए पहली बात तो ये आती है कि जब उन्होंने मुझे बताया था तो मैंने ये किसी को बताया क्यों नहीं। अब उसका रीज़न ये है कि FIR रजिस्टर हो चुका था, पुलिस ने ये चीज़ बता चुकी थी कि 2 दिन में जो भी अक्यूज है और जिसका भी ये काम है वो पकड़ के हम वापस बाद में सामने प्रेजेंट कर देंगे। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा था और मुझे पता था कि जो भी है वो सामने तो आना है ही, किसी का छुप के मतलब नहीं है। अभी बात रही कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था और मैं कहाँ गया था। मैं 25 के बाद अगर इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट होता था तो मैं 25 की दिन पे ही FIR के होने के बाद ही भाग गया होता था। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैंने एक लीगल प्रोफेशन लिया हो, एक LLB की पढ़ाई किया हो, इसको लीगली प्रैक्टिस करने के लिए, एक अच्छे काम करवाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, ना कि इस क्रिमिनल एक्टिविटी तो में। किस कहाँ थे और आपका फ़ोन क्यों बंद? तो मैं सिंस वही बताया था मैंने कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है रमज़ान का और काफ़ी रिलेटिव्स मेरे आउटसाइड स्टेशन भी है। तो मैंने 27th को 2 दिन के बाद 27th को मैं सुबह को मॉर्निंग निकल गया आउट ऑफ स्टेशन। अब मैं आउट ऑफ स्टेशन जाता हूँ कभी भी कोई पीस ऑफ माइंड के लिए, तो हमेशा मैं अपना वर्किंग नंबर जो है वो बंद रखता हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अगर मैं किसी ओकेजन पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ अपना एक फ़न टाइम चाहिए, एक फैमिली टाइम चाहिए, एक एन्जॉयमेंट चाहिए, तो मैं अपना वर्किंग फ़ोन हमेशा बंद रख के जाता हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पे काम को रिलेट नहीं करता हूँ। तो इस रीज़न से मेरा फ़ोन बंद था। अब जब लगभग दो दिन के बाद जब मैं रिटर्न आया, जब मुझे रिटर्न आने तक जब ये चीज़ खबर पड़ी कि मेरा खुद का नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, इनफैक्ट मुझे ये तक मालूम पड़ा कि मेरी ब्लैक कलर की सियाज कार जो है टिंटेड कार है वो उसको भी पूरे सारे हाईवे पर ट्रैक किया जा रहा है कि वो गाड़ी किधर है। तो ये मुझे बताइए कि तब आपने क्या, जब विक्टिम ने खुद आपको कहा कि उनका इन्वॉल्वमेंट है और आपके चचेरे भाई का, तो आपने पुलिस को ये उस वक्त क्यों नहीं बताया कि विक्टिम खुद कह रही है? उस वक्त अगर अभी उस पोजीशन पे मैं इस हाल में था कि ऑलरेडी मैं एक औरत का वकील हूँ, हाई कोर्ट में मैटर जाने वाला है बेल एप्लीकेशन के लिए, वहाँ पे भी मुझे लड़ना है, वहाँ पे भी मैं एज अ काउंसिल अपीयर करने वाला था। और दूसरी तरफ ये है कि उसमें जो चीज़ जो आदमी को यूज़ किया गया है विद अनड्यू एडवांटेज वो है मेरा खुद का कज़िन। अच्छा। तो इस चीज़ की वजह से मैं खुद डरा हुआ था कि ये अभी क्या हो जाएगा, बट मैंने हमेशा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे ही बिलीव किया। जब उन्होंने मुझे सर ने बताया था कि 2 दिन के अंदर हम पकड़ के उसको बाहर लेके आ जाएंगे, तो मैंने उनके हाल पे छोड़ दिया कि ये अपना काम करके दिखाएंगे और अगर अपना काम कर लेंगे तो जो भी बाहर आएगा वो दिखा जाएगा कोर्ट के हिसाब से, पुलिस स्टेशन के हिसाब से। तो अब आप फिलहाल बेल पे चल रहे हैं, आपको बेल मिली है आज और अभी तक आप मीडिया के सामने नहीं आए हैं, ABP न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। तो आपने ये तमाम बातें जो ABP न्यूज़ को बताई हैं वो सारी पुलिस को बता दी हैं कि किसका इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया है, सब बता दिया है आपने? देखिए आज मैंने लगभग 6 दिन से, कुछ 25 तारीख के बाद आज 3 तारीख लग गई है, इतने दिन तक जो भी मैटर चला मीडिया में, इनफैक्ट मीडिया में अगर आप मेरा नाम अगर गूगल भी करो अली काशिफ खान, तो हर जगह पे यही आ रहा है मीडिया में कि मैंने प्लान करवाया था, काशिफ खान लॉयर इज डूइंग ऑल दिस थिंग, एंड इनफैक्ट अननेसेसरी सामने वाले वकीलों को अनड्यू एडवांटेज दे दिया, थाली में उठा के खुद ही गिफ्ट दे दिया करके अभी जाओ करण की बेल करवा लो, जब ऑलरेडी केस स्ट्रांग था तो इस चीज़ की जरूरत नहीं थी। सब बता दिया, मेरा सवाल ये था जी। और दूसरी चीज़ ये रही कि आज फाइनली मैंने जाके पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर करवाया 12 बजे, और 12 बजे मैंने ये अपनी स्टेटमेंट दिया हूँ, ये 4 पेज की स्टेटमेंट जिसमें मैंने ये लिखा हो, जो भी मैंने अभी आपको इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू पूरा इसके अंदर मैंने डाला हुआ हूँ कि जो भी फैक्ट है किस दिन पे क्या हुआ था और मुझे किस चीज़ की मालूमात नहीं थी और मेरे पीठ पीछे काम किया गया था और कैसे मुझे इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया गया है अपनी जान बचाने के लिए। तो बस, और उसके बाद मैंने अंधेरी कोर्ट मुझे लेके गया लगभग 4:30 बजे के आसपास, और ये स्टेटमेंट सेम मैंने जब मजिस्ट्रेट को, पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे जो भी है मामला
और आप अपनी सफाई दे चुके हैं। ये चीज आप ये मेरा अपना स्टेटमेंट दिखाया तो मजिस्ट्रेट कोर्ट व्हाट गॉट कन्विंस्ड ऑन द स्पॉट एंड दे ग्रांटेड मी बेल देन एंड देयर। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अली कासिफ खान। तो ये थे हमारे साथ विक्टिम के जो वकील हैं अली कासिफ खान। एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली हमें बता रहे थे कि बेल मिलने के बाद वो उन्होंने सारी वो तमाम बातें हमें बताई हैं जो उन्होंने पुलिस के सामने रखी कि किस तरह से उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और पहले से ही उन्हें शक हो गया था अल्तमास अंसारी जो कि उनके चचेरे भाई हैं। और खुद विक्टिम ने भी पुलिस स्टेशन में उस दिन जब उन पर हमला हुआ था 25 तारीख को, खुद विक्टिम ने भी अपने ही वकील के सामने ये कबूल किया था कि ये उन्होंने ही मास्टरमाइंड कराया था हमला। और अब इनके कज़िन के साथ वकील का जो कज़िन है अल्तमास अंसारी उनके साथ ये बातें तमाम बातें काशिफ का दावा है कि ये तमाम बातें उन्हें पहले ही पता चल चुकी थी और वो एब्सकॉन्डिंग नहीं थे, फरार नहीं थे। कैमरामैन अनूप के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।